यह चार दोस्तों की कहानी है जो एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। अकारी एक प्रैक्टिकल लड़की है जो बड़े सपने नहीं देखती, जैसी सिचुएशन है उसमें खुद को एडजस्ट करती है। यूना एक बहुत ही शर्मीली लड़की है जिसे फेरी टेल पसंद है, वह सपनों में ही खोई रहती है, उसे जिंदगी भी एक सपना ही लगता है। रियो ब्रिलियंट है मगर रिबेलर किस्म का लड़का है, उसकी अपनी सोच है, उसके हिसाब से वो चलता है। काजो एक पैशनेट लड़का है, उसके बड़े बड़े सपने हैं, वह बड़ा फिल्म मेकर बनना चाहता है मगर अपने माँ बाप के सामने अपने सपने जाहिर नहीं कर सकता क्योंकि वो फिल्मों से नफरत करते हैं, मगर चारों यही चाहते हैं कि वह जिंदगी में सुखी रहे। अकारी और यूना की अभी अभी दोस्ती हुई है। एक दिन यूना अकारी को बताती है कि उसकी मुलाकात उसके प्रिंस चार्मिंग से हुई थी जिसे वह दिली दिल में चाहती है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे बात करे। यूना बताती है कि वो उसके अपार्टमेंट में रहता है। दोनों लिफ्ट में मिले। अकारी यूना से कहती है कि अगर तुम उसे अपनी फीलिंग नहीं बताओगी तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा, और पहले आप के चक्कर में वो किसी और के साथ चला जाएगा। यूना का एक ही बचपन का दोस्त है काजो। अकारी यूना से कहती है कि तुम जैसे काजो के साथ कंफर्टेबली बात करती हो वैसे अपने क्रश के साथ बात करो। यहाँ अकारी भी काजो से इम्प्रेस है जो काफ़ी गुड लुकिंग है। शाम को पहली बार यूना अकारी के घर पे जाती है जो उसकी अपार्टमेंट में ही रहती है। जब दरवाज़ा खुलता है वो शॉक होती है क्योंकि उसके सामने उसका प्रिंस चार्मिंग होता है। वह एकटक उसे देखती ही रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता वह अकारी के घर में क्या कर रहा है। पहले उसे लगता है कि कहीं वह अकारी का बॉयफ्रेंड तो नहीं, मगर तभी अकारी आके उसकी और रियो की पहचान करा देती है कि वह प्रिंस चार्मिंग यानी रियो उसका ब्रदर है। यहाँ अकारी भी यूनो के चेहरे से समझ जाती है कि रियो वही लड़का है जिसे यूना दिल से चाहती है, तो वह उन दोनों को और पास लाने का ठान लेती है। वो रियो से कहती है कि यूना उससे मैथ सीखने आई है। अब अकारी जानबूझ के दोनों को अकेला छोड़ के बाहर चली जाती है। बाहर अकारी की मुलाकात काजो से होती है और उनमें दोस्ती की शुरुआत होती है। यहाँ घर में यूनो को पता चलता है कि रियो काफी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुका है क्योंकि उसके दिल में कोई और बसी हुई है। अब यूनो भी अंदर से डरती है कि अगर उसने अपने प्यार का इजहार उसके सामने किया तो वह उसे भी रिजेक्ट करेगा। रियो और यूनो की बातचीत चल रही होती है कि तभी अचानक अकारी की माँ बिना दरवाजा खटखटाए दरवाजा खोल के अंदर आती है। उसकी इस हरकत से रियो अंदर से गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे अकारी आती है। रियो उसे बताता है कि माँ को शक था कि मैं तुम्हारे साथ अंदर हूँ। इस बात को लेके अकारी उसकी माँ पे बहुत गुस्सा होती है। अकारी की बातों से हमें पता चलता है कि अकारी और रियो सगे भाई बहन नहीं है। अकारी की माँ ने रियो के पिता के साथ रिसेंटली शादी की है, इसलिए नाते से अकारी और रियो सौतेले भाई बहन है। सामना कर बैठे, जवानी का क्या भरोसा। यही डर अकारी की माँ को हमेशा लगा रहता है क्योंकि वैसे तो उनमें खून का रिश्ता नहीं है, तो ऐसा संबंध हो सकता है। अब वहाँ बैठी यूनो यह सब बातें सुनती है और शॉक होती है कि अकारी के घर में यह मसला भी चल रहा है। यहाँ यूनो समझ जाती है कि अकारी वही लड़की है जिससे रियो अंदर से प्यार करता है। रियो उसका प्रिंस चार्मिंग अपनी ही स्टेप सिस्टर अकारी के प्यार में डूबा हुआ था। अब यूनो इन सब बातों से डिस्टर्ब होती है। यहाँ एक दिन रियो और काजो की मुलाकात होती है। पहली ही मुलाकात में वह दोस्त बन जाते हैं। रियो को यह जानकर बहुत खुशी होती है कि काजो बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता, वह रियो और अकारी के रिश्ते को गंदे निगाह से नहीं देख रहा। यहाँ अकारी के घर में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जिससे वह ऑकवर्ड फील करती है, जैसे रियो नहा रहा होता है कि वह अनजाने में बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आती है। घर में जवान लड़का लड़की होने से अकारी की माँ हमेशा टेंशन में होती है। दूसरी ओर अकारी और काजो में दोस्ती बढ़ने लगती है। एक रात 10 बजने के बाद भी अकारी घर में नहीं आती तो रियो बेचैन होता है। वह बालकनी से नीचे देखता है तो अकारी काजो के साथ आती हुई उसे नजर आती है। उन दोनों को साथ देख के वह अंदर से डिस्टर्ब होता है। एक दिन यूना रियो के साथ स्कूल से घर लौट रही होती है कि तभी अचानक बारिश शुरू होती है। रियो अनजाने में यूना का हाथ पकड़ के उसे एक शेल्टर के नीचे ले जाता है। रियो यूना से कहता है कि इस बारिश ने मुझे सिखाया है अपने प्यार को जाहिर करो कि भले सामने वाला तुम्हें रिजेक्ट करे। यह वही बारिश है जिस दिन उसके पिता ने अकारी की माँ से शादी की थी। उसकी बातें सुनकर यूना रियो को प्रपोज करती है, यह जानते हुए भी कि उसके दिल में अकारी बसी हुई है। रियो यूना की फीलिंग को जानता है मगर दिल के हाथों वो मजबूर है, तो वह यूना को सिर्फ एक ही वर्ड कह पाता है, सॉरी। बिचारी यूना
अपने पहले ही प्यार में नाकामयाब रह जाती है। यहाँ एक दिन अकारी स्कूल में बेहोश होती है तो काजो उसे उठा के स्कूल के रेस्ट रूम ले जाता है और उसे पानी की बॉटल देता है। तभी उसी वक्त रियो उन दोनों को साथ देखता है। काजो और अकारी की बढ़ती नजदीकियां उसे डिस्टर्ब करती है। एक शाम बारिश शुरू होती है, तभी रियो अकारी के लिए छाता लेके आता है। दोनों एक ही छाते में होते हैं। रियो अकारी से कहता है कि उसे दोनों का यह भाई बहन वाला रिश्ता मंजूर नहीं, उनमें ब्लड रिलेशंस नहीं है, तो वो उनके प्यार के बीच इस बेबुनियाद रिश्ते को नहीं लाना चाहता। रियो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं रख पाता और वह अकारी को किस करता है। उसकी इस हरकत से अकारी शॉक होती है। वो रियो से कहती है कि हमारे रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा और इससे हमारे माँ बाप को तकलीफ होगी, हमारा मिलन इम्पॉसिबल है और यह गलत भी है। वो रियो से कहती है कि इतने दिनों से हम अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखने में कामयाब हुए हैं, उसे जाया मत करो, आज के बाद मुझे और मेरे प्यार को भूल जाओ, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। उसकी बातें सुनकर रियो का दिल टूट जाता है, मगर फिर भी रियो हार नहीं मानना चाहता, तो वह स्कूल में अकारी से बात करने की कोशिश करता है। अकारी उसे टालने लगती है। अब रियो यूना के सामने अपने और अकारी के प्यार को लेके सच्चाई बताता है। वह यूना को बताता है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फोन पे एक दूसरे से चैट करते थे और उस दिन वह अकारी को प्रपोज करने ही वाला था कि उसे पता चला उसके पिता अकारी की माँ से शादी करने जा रहे हैं। अब रिश्ते से अकारी और वह भाई बहन बनने जा रहे हैं। अपने पिता के फैसले से रियो का प्यार तहस नहस हो गया था। जिससे वह प्यार करता था अब वह उसकी बहन बनने जा रही थी। मगर रियो अपने प्यार के खातिर जमाने के खिलाफ जाने को तैयार था, मगर अकारी नहीं। वह घर की खुशी दाव पे लगाना नहीं चाहती थी। अकारी ने अपनी माँ की खुशी के खातिर अपने प्यार की बलि दी थी। स्कूल में भी दूसरे स्टूडेंट्स उनके रिलेशंस को लेके मजाक उड़ाने लगते हैं। तब ऐसे मौके पे काजो बीच में आके उन्हें डांटता है। अब यूना रियो से कहती है कि वह भी अकारी को भूल जाए, इसी में सबकी भलाई है। प्यार नहीं मिला तो दुनिया खत्म नहीं होती, कोई दूसरा जिंदगी में आ ही जाता है। अब रियो अकारी से सॉरी कहता है और उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वह उसके इस प्यार को नहीं छेड़ेगा। रियो अपने प्यार को अपने दिल में दफन कर देता है। अकारी भी इस बात पे रोने लगती है। अब रियो यूना की ओर अट्रैक्ट होता है तो अकारी काजो की तरफ अट्रैक्ट होती है। यहाँ कॉलेज फेस्टिवल नजदीक आता है। रियो, यूना, अकारी, काजो चारों फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। शूटिंग में काजो को एक टेडी बियर मिलता है जो वह अकारी को गिफ्ट करता है, जिससे अकारी के दिल में काजो के लिए फीलिंग जाग उठती है। तो दूसरी ओर रियो यूना को एक लड़के के साथ बात करते हुए देखता है। उसे लगता है कि यूना किसी और के साथ डेटिंग करने लगी है। यहाँ अकारी काजो को प्रपोज करती है। अकारी को पता होता है काजो उसके प्यार को अपनाएगा, मगर काजो अकारी को ना कह देता है, जिससे अकारी शॉक हो जाती है। वैसे तो काजो भी अकारी को दिल से चाहता है, मगर उस दिन उसने रियो और अकारी को किस करते देखा था, जिससे उसे लगा कि अकारी और रियो के बीच रिलेशंस है, तो वह उन दोनों के बीच में आना नहीं चाहता। उसी दिन उसका दिल टूट गया था। अब कॉलेज के आर्ट फेस्टिवल के लिए काजो कुछ फोटो लेना चाहता है तो अकारी उसकी मॉडल बन जाती है। फोटो लेते वक्त काजो इमोशनल होता है। जिस लड़की को वह चाहता था, जिसने उसे प्रपोज भी किया, मगर चाहते हुए भी काजो ने अकारी को नहीं अपनाया। कॉलेज आर्ट फेस्टिवल शुरू होता है। रियो पूरे कॉलेज में यूना को ढूंढने लगता है। उसके बिना वह बेचैन सा हो जाता है और आखिर में जब वह उसे मिलती है तो वह उसे प्रपोज करता है। रियो यूना से कहता है कि वह फिर से एक बार उससे प्यार करने लगे। यूना को लगता है कि वह सपना देख रही है। उसका प्रिंस चार्मिंग उसे प्रपोज कर रहा है। दूर से काजो उन दोनों की फोटो निकालता है। रियो और यूना को उनका प्यार मिल जाता है, मगर अकारी और काजो का क्या, एक दूसरे को चाहते हुए भी उनमें दूरी थी। एग्जाम का रिजल्ट आता है। चारों सेकंड ईयर में पास होके फाइनल ईयर जाते हैं। टीचर स्टूडेंट से कहता है कि अब वह अपने आगे के करियर के बारे में सोचे। क्रिसमस शुरू होता है। अकारी पार्ट टाइम एक केक शॉप में काम करती है। रात को घर लौटते वक्त वह अपने साथ एक केक लेके आती है, मगर उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए घर में कोई नहीं, तो वह सीधा काजो के घर पहुंच जाती है, जहां काजो मायूस होके बैठा है। अब दोनों क्रिसमस सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं। दोनों खूब मजे करते हैं। काजो अकारी को बताता है कि वह फिल्म मेकर बनना चाहता है, मगर यह बात माँ बाप को बताने की उसमें हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके बड़े भाई को इस बात को लेके उसके डैडी ने घर से बाहर निकाला है। अकारी काजो का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि उसे उसके माँ बाप से बात करनी चाहिए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। रात को काजो घर पे आता है तो देखता है उसके डैडी ने उसके डीवीडीज का पूरा कलेक्शन फेंक दिया है। अब काजो टेंशन में आता है। दूसरे दिन स्कूल में अकारी को यूना से इस बात का पता चलता है तो वह काजो से बात करने जाती है, मगर डिप्रेस काजो अकारी का इंसल्ट करता है
वह अकारी से कहता है कि किसी को सलाह देना आसान है, मगर खुद को उस शख्स की जगह खड़ा करके प्रॉब्लम फेस करना आसान नहीं। इसलिए उसे अकारी के सलाहों की जरूरत नहीं। अब अकारी का दिल टूट जाता है, वह रोते रोते वहां से निकल जाती है। यहाँ अकारी की माँ और रियो के डैडी डिवोर्स लेने जा रहे हैं, क्योंकि रियो के डैडी की अमेरिका ट्रांसफर हो गई है। और इस रिश्ते को तभी बचाया जा सकता है अगर अकारी अमेरिका जाने को तैयार हो, क्योंकि उसकी माँ उसे अकेले जापान छोड़ के नहीं जाना चाहती। अकारी को अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब वो काजो से दूर जाना चाहती है। यहाँ रियो की अमेरिका जाने की बात सुन के यूना डिस्टर्ब हो जाती है। रियो उसे बताता है कि वह अपने डैडी के साथ अमेरिका नहीं जाएगा, मगर रियो चाहता है कि अकारी और काजो दोनों का मिलन हो, उनकी स्टोरी का इस तरह सैड एंड ना हो। अब यूना अकारी के घर आके उसकी माँ को सुनाती है कि वह अकारी के अच्छेपन का फायदा ना उठाए, उसकी मर्जी क्या है वह भी जानने की कोशिश करे। हमेशा उसकी माँ ने यही देखा कि वह खुद क्या चाहती है, मगर क्या कभी अपनी बेटी के दिल में झांक के देखा है कि उसके दिल में क्या है। बेटी ने हमेशा अपनी माँ की खातिर अपने प्यार को खत्म किया। अब जब कोई और उसकी जिंदगी में आया है तो आप अपने साथ उसे अमेरिका लेके जा रही है, जैसे वो बेटी नहीं कोई घर का सामान हो। यूना की बातों से अकारी के माँ की आंखें खुल जाती है। अब माँ बेटी एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन रियो काजो को बताता है कि अकारी हमेशा के लिए जापान छोड़ के अमेरिका जा रही है, क्योंकि तुमने उसका दिल तोड़ा है, वह तुमसे भागना चाहती है। अगर इस बार तुमने अपने दिल की बात अकारी के सामने नहीं रखी तो फिर कभी भी वह कहने का उसे मौका नहीं मिलेगा। यहाँ अकारी अपने पे चेक से एक डीवीडी खरीदती है और उसे काजो के लॉकर में रखती है। साथ में एक लेटर भी रखती है जिसमें उसने लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होते देखना चाहती हूँ, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ उसी जगह जहाँ हम हमेशा मिलते आए हैं। अकारी का लेटर पढ़ के काजो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काजो घर आके अपने फिल्म मेकर बनने की बात अपने माँ बाप के सामने रखता है, वो भी उसे हाँ कहते हैं। एक बेटे को तो वह खो चुके थे, अब दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। यहाँ अकारी अपनी पैकिंग करती है, उसमें काजो ने उसे दिया हुआ वो टेडी भी रखती है। तभी उसे काजो का फोन आता है कि वह उसे इसी वक्त मिलना चाहता है। अकारी के आंखों के सामने वह पल आते हैं जब वह एक दूसरे से मिले थे। अकारी दौड़ती हुई वहां पहुंच जाती है। काजो अपने प्यार का इजहार उसके सामने करते हुए उससे कहता है कि वह जिंदगी में ऐसा पार्टनर चाहता है जो उसके सपनों को अपना सपना समझे, उसे समझे। अकारी भी अपने प्यार का इजहार उसके सामने करती है। वह कहती है कि अमेरिका न जाने की वजह उसे मिल गई है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरे दिन सुबह रियो और यूना भी वहां पहुंच जाते हैं। चारों दोस्तों को अपना अपना प्यार मिल चुका था। हम सब की प्रॉब्लम यही है कि जब जरूरत होती है हम सही बात नहीं कर पाते, और मौका जब हाथ से निकल जाता है हम रोते बैठते हैं। सही मौके पे सही बात करना जरूरी है, फिर वह चाहे प्यार हो या करियर। मूवी यहाँ खत्म होती है।